कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खातिर बाजार में, खास तौर से सरसों के बारे में। सरसों में देखेंगे किस तरह का कारोबार देखा जा रहा है, कुछ मंडियों में किस तरह की कीमतें चल रही है, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज सरसों को लेकर हम लोग बाजारों में देख सकते हैं। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सरसों को लेकर किसान भाइयों के लिए खबरें यही है कि सरसों में एक असमंजस की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ विदेशी बाजार में लगातार मंदी की वजह से बाजारों में जो सरसों के दाम है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आने वाले सीजन में सरसों की डिमांड अच्छी होने की उम्मीद से इसे इस लेवल से नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है। घरेलू बाजार में शुरू से ही तेल तिलहन का फंडामेंटल मजबूत ही थे, लेकिन विदेशी बाजार में आई जबरदस्त गिरावट से इसमें बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। और यहां से सरसों का दाम किस तरह बाजारों में मोड़ लेता है आने वाले समय में, ये ऐसे में किसान सरसों के जो किसान है और व्यापारी है उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। विदेशी बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कुल मिलाकर मंदी का रुख ही देखा जा रहा है। मलेशियाई पाम तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई है और शिकागो में सोया तेल के दाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में मामूली तेज हुए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो वैश्विक बाजार जो है वहां पर अभी खाद्य तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आने के आसार कम नजर आ रहे हैं। अब सरसों की कीमतों के बारे में अगर आज के बारे में बात करी जाए तो जयपुर में सरसों सीड का जो रेट बाजार में, मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। जो रेट बाजार में आप देख कर चल सकते हैं वो 6400 रुपए चल रहा है, जिसमें 50 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। दिल्ली का रेट आप 6200 रुपए देख कर चल सकते हैं। ग्वालियर की कीमतें 5800 से लेकर 5900 के बीच चल रही हैं। बरवाला की मंडियों में सरसों सीड का रेट 5700 से लेकर 5750 के बीच बाजारों में देखा जा रहा है। हिसार की मंडियों में सरसों सीड का आज का रेट 5800 रुपए है। और अगर अलवर की मंडियों के बारे में बात करी जाए, अलवर की मंडियों में सरसों सीड का रेट आप बाजारों में 6200 रुपए देख कर चल सकते हैं। सरसों में किसानों की जो स्थिति है वो इस साल की स्थिति पिछले साल से अलग है, क्योंकि पिछले साल इन दिनों सरसों का बकाया जो स्टॉक था वो बहुत कम था, लेकिन इस बार किसानों के पास सरसों का अच्छा खासा स्टॉक है। इसके अलावा सरकार हर सप्ताह कीमतों की समीक्षा कर रही है, जिसके कारण तेल मिले जरूरत के हिसाब से ही सरसों की खरीद कर रही है। ऐसे में घरेलू बाजार में सरसों की मौजूदा कीमतों में हल्का सुधार आपको देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी तेजी आने के आसार कम नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमारा मानना यह है कि सितंबर के महीने में सरसों निकालने के बजाय दिवाली के त्योहार तक इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और हमारी सलाह भी आपके लिए यही रहेगी, आपके पास जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप इस यहाँ से गिरावट पर खरीदारी करके चलिए, से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदारी करिए। फॉरवर्ड में आप बिकवाली करने से बच सकते हैं। आने वाले समय में बाजार किस तरह का रहता है ये खास तौर से अगले महीने जो त्योहारी सीजन है उस वक्त ही बाजारों में पता चल पाएगा। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।